गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस रबीज टेस्ट। देखो क्या है टेस्ट। इफ समेशन ए एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी एन इनटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल, देन द सीरीज कन्वर्जेंट इफ एल ग्रेटर देन वन, डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन वन, और वन अगर एल आपका वन हो जाता है तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। देखो इफ एल इज ग्रेटर देन वन देन चूज अ नंबर पी ग्रेटर देन वन सच दैट एल इज ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन वन। जो नंबर पी हमने चूज करना है वो ऐसा चूज करना है कि पी से जो ये नंबर है वो एल से छोटा हो लेकिन वन से वो क्या हो, ग्रेटर हो, मीन्स एल और वन के बीच में वो नंबर हमने चूज करना है। लेट बी एन, हमने सीरीज जो टर्म कंसिडर करनी है वो क्या ले लिया हमने, वन बाई एन रेज टू पावर पी, और आपको पता है तो ये समेशन बी एन जो सीरीज अब आपकी कन्वर्ज करेगी बिकॉज पी इज ग्रेटर देन वन। तो जो आपकी समेशन ए एन सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगी, इफ कब कन्वर्ज करेगी, इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन अपॉन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ये आपका ग्रेटर हो तो सीरीज ए एन जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, दैट इज इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, यहाँ हमें बी एन भी पता है बी एन प्लस वन भी पता है, जस्ट हमने वैल्यू रख दी, मीन्स इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस फॉर ऑल एन। तो यहाँ हमने इसको सोल्व किया, ये क्या हो गया एन प्लस वन बाई एन, तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर पी। तो ये हमने इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई है तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू एन फैक्टोरियल सॉरी पी बाई टू एन स्क्वेयर प्लस अप टू सोल, मीन्स वन प्लस एन सी वन इंटू फॉर्मला होता है ना, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वेयर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, है ना, ये फॉर्मूला टू सो, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज की है। तो ये वन हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, सो दिस इज ग्रेटर देन दिस टर्म। हमने क्या किया, एन से मल्टीप्लाई किया इसको, तो एन से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कैंसिल होगी बाय टू एन बच गया यहाँ। नाउ टेकिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी, हमने लिमिट ले ली। लिमिट लेने के बाद देखो नाउ इसकी लिमिटिंग वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया था, एल से डिनोट किया था, और हमारे पास रिजल्ट है एल इज ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन वन विच इज टू, क्योंकि जब हम इसकी लिमिट लेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो, तो क्या बचेगा पी, तो मीन्स क्या आ जाएगा एल इज ग्रेटर देन पी आ जाएगा, और यही हम लेके चल रहे थे, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो इसका मतलब जो हमने माना था कि सीरीज ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रही थी वो हमारा ठीक है, मीन्स दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इफ एल इज लेस देन वन, फिर हमने एक नंबर पी चूज कर लिया एल और वन के बीच में पी, इस केस में हमने जो बी एन सीरीज है वो क्या करेगी, हमारी डाइवर्ज करेगी। तो हमारी जो सीरीज समीशन ए एन है वो सीरीज डाइवर्ज करेगी कब, इफ दिस रिजल्ट होल्ड्स। अब हमें ये देखना है कि ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है, इफ अगर क्या हो जाए, वैल्यू डाल दी हमने बी एन और बी एन प्लस वन की, डाल के बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हमने काम करना है, सोल्व किया तो ये क्या आ गया वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर पी, फिर हमने इस पर बाइनोमियल लगा दी, वन को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, एन से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये अब फिर हमने क्या ले ली, लिमिट ले ली, लिमिट लेने के बाद ये क्या आ गया एल, ये क्या आ गया पी, नाउ एल इज लेस देन पी लेस देन वन विच इज टू, मीन सीरीज क्या हो गई हमारी डाइवर्जेंट हो गई। अब हम कह रहे हैं रबीज टेस्ट इज यूज्ड व्हेन डीए नंबर्स रेशियो टेस्ट फेल एंड व्हेन दिस लिमिट डज नॉट इन्वॉल्व द नंबर ई। तो हम रबीज टेस्ट कब यूज करते हैं, जब हमारा डीए नंबर्स रेशियो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। रबीज टेस्ट इज इनकंक्लूसिव व्हेन अगर लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल हो, वन के इक्वल हो, तो रबीज टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। इसके लिए इसने बताया कि अगर हम सीरीज हमारी समेशन 1 बाय n है, ये हमें पता है ये सीरीज डाइवर्जेंट है, हियर an इज इक्वल टू 1 बाय n, तो हमने लिमिट निकाली n an अपॉन an प्लस 1 माइनस n, लिमिट आई, लिमिट क्या आई, 1 आई, तो लेकिन ये सीरीज हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। अब हमने एक सीरीज कंसीडर की समेशन 1 बाय दिस सीरीज, तो बाय कोशी इंटीग्रल टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हियर an इज इक्वल टू दिस, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ए एन की ये वैल्यू है, अब हमने इसकी लिमिट निकाली, जस्ट हमने इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, वन आई। इन बोथ केसेस लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वन, बट द सीरीज इज डाइवर्जेंट इन फर्स्ट केस एंड कन्वर्जेंट इन सेकेंड केस, और ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। कहने का मतलब जो रबीज टेस्ट है, अगर लिमिटिंग वैल्यू वन आती है तो ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। थर्ड है रबीज टेस्ट इज स्ट्रॉगर देन रेशियो टेस्ट, जो रबीज टेस्ट है वो रेशियो टेस्ट से भी स्ट्रॉगर है। हमने पहले डी एल एम्बर्स रेशियो टेस्ट किया था, फिर कोशी रूट टेस्ट किया, फिर हमने रबीज टेस्ट किया था, हमने कहा था कोशी रूट टेस्ट इज स्ट्रॉगर देन रबीज टेस्ट, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि रबीज टेस्ट इज स्ट्रॉगर देन रेशियो टेस्ट। इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट, अगर रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट है
देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी an अपॉन an प्लस 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि l l का होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तभी सीरीज कन्वर्ज करती है। अब यहां से हमने क्या निकाला, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनिटी, यही तो इंप्लाई कर रहे हैं क्योंकि an अपॉन an प्लस 1 क्या है आपका ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कुछ ना कुछ, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा और कुछ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, रबीज़ टेस्ट से कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ l जो है वो क्या हो चुका है, ग्रेटर देन 1 हो चुका है। और अगर सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है रेशियो टेस्ट से, मीन्स l क्या है आपके पास लेस देन 1, तो इस केस में ये टर्म आपके पास लेस देन 1 है तो अंदर जो ब्रैकेट टर्म आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। जब इन्फिनिटी आप टेंड करोगे तो इन्फिनिटी इंटू सम माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी रबीज़ टेस्ट से। ठीक है, नाउ फॉर द सीरीज समेशन 1 बाय n क्यूब, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है 1, देयरफॉर रेशियो टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। बट लेकिन इस केस में हम रबीज़ टेस्ट से निकालें तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट बाय रबीज़ टेस्ट। इसका मतलब जहां हमारा रेशियो टेस्ट जो है वो हमारा कोई कंक्लूजन नहीं दे पाता, वहां हम रबीज़ टेस्ट यूज करके के हम चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो रबीज टेस्ट है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द रेशियो टेस्ट। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट, गिवन बिलो इज यूज्ड व्हेन डीएलएमएस रेशियो टेस्ट फेल्स एंड दिस लिमिट कंटेन्स ई। ये हम लॉगरिथमिक टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट हम तब यूज करेंगे जब हमारा डीएलएमएस रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी उस केस में। ठीक है, तब हम नेक्स्ट केस टेस्ट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हम